subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, गियर्स के अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी टर्म्स यानी कि उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक टर्म ऐसी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और उस टर्म का नाम है बैकलैश। तो अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैकलैश इन गियर्स की। बैकलैश को समझने के लिए भी हम दो मैशिंग गियर्स कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। एक गियर को हम ड्राइवर गियर कहेंगे और दूसरे को हम फॉलोवर गियर कहेंगे। ड्राइवर गियर वो गियर होगा जिसको रोटेटिंग शाफ्ट पर माउंट किया गया है, यानी कि वो शाफ्ट जिसको एक्सटर्नल सोर्स से रोटेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और फॉलोवर गियर वो गियर होगा जिसको रोटेटेड शाफ्ट पर माउंट किया गया है, यानी कि वो शाफ्ट जिसमें रोटेटिंग शाफ्ट के मोशन को ट्रांसमिट करवाया जा रहा है। पावर ट्रांसमिशन के समय ड्राइवर गियर का ये तुत फॉलोवर गियर के इस तुत के साथ पॉइंट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा और इसे कैरी करते हुए इसमें एनर्जी यानी कि मोशन को ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से फॉलोवर गियर ड्राइवर गियर की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एनर्जी यानी कि मोशन के ट्रांसमिशन के बाद फॉलोवर गियर का ये तुत ड्राइवर गियर के इस तुत स्पेस को लीव करेगा, लेकिन लीविंग के समय अगर यहाँ कोई क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं करवाया गया है तो फॉलोवर गियर का ये तुत ड्राइवर गियर के इस तुत स्पेस में फिक्स हो जाएगा और इसी को हम जैमिंग कहेंगे। जैमिंग को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि फॉलोवर गियर का ये तुत ड्राइवर गियर के इस तुत स्पेस को इजीली लीव कर सके, और इसी क्लियरेंस को हम बैकलैश कहेंगे। यानी कि बैकलैश और कुछ नहीं बल्कि एक गियर के तुत स्पेस और दूसरे गियर की तुत विड्थ का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैकलैश इज इक्वल्स टू तुथ स्पेस ऑफ वन गियर माइनस तुथ विड्थ ऑफ अनादर गियर। थ्योरेटिकली हम बैकलैश को जीरो अज्यूम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ बैकलैश प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे कि जैमिंग को प्रिवेंट किया जा सके और एक गियर से दूसरे गियर में पावर को इजीली ट्रांसमिट किया जा सके। बैकलैश प्रोवाइड करवाने के कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे कि इजी लुब्रिकेशन। लुब्रिकेटिंग ऑयल इस क्लियरेंस में से फ्लो होके ड्राइवर और फॉलोवर गियर के तुत के बीच में एक लुब्रिकेटिंग फिल्म जनरेट करता है, जिससे कि ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जाता है। कभी कभी गियर्स इतने हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं कि उनका मटेरियल थर्मली एक्सपेंड होना शुरू होता है, जिससे गियर्स की तुथ डायमेंशन चेंज होना शुरू हो जाती है, और ऐसे केसेस में इस क्लियरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि जैमिंग को प्रिवेंट किया जा सके और एक गियर से दूसरे गियर में पावर को ईजिली ट्रांसमिट करवाया जा सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।